तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू सेंड रियल टाइम वेब नोटिफिकेशन विद साउंड इन लारावेल। देखिए, आपने रियल टाइम नोटिफिकेशन कैसे सेंड करना है विद साउंड के साथ, वो आप कैसे कर सकते हो लारावेल में, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ध्यान से देखिएगा लेक्चर। अब देखिए, यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लाइक सबसे पहले आपको आनी चाहिए वेब सॉकेट, की वेब सॉकेट होती क्या है एंड कैसे यूज़ की जाती है अपने लारावेल प्रोजेक्ट में। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप जा करके देख सकते हो कि वेब सॉकेट कैसे वर्क करती है लारावेल में। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर इस लेक्चर में बताने बैठा तो यहाँ पर मान के चलो आधा घंटा का मेरा वेब सॉकेट का जाने वाला है लेक्चर, वेब सॉकेट टाइम खींचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर सेकेंड थिंग इज इवेंट लिसनर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इवेंट एंड लिसनर कैसे वर्किंग करते हैं, ठीक है। उस इन दोनों के बेसिस पर ही आप क्या कर सकते हो, रियल टाइम वेब नोटिफिकेशन फायर कर सकते हो। और साउंड अभी हम देख लेंगे, साउंड हमें कैसे लगाना है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हम चलते हैं कि कैसे हमें ये वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। डेमो दिखा करके मैं जस्ट स्टार्ट कर दूंगा। तो ये मेरा डेमो है, ठीक है। अभी मैंने क्या है, बेसिकली ऑलरेडी कोड बना करके रखा है, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने दो ब्राउजर्स ओपन करके रखे हैं, एक ये ब्राउजर है क्रोम, एक है मेरा मोज़िला, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक यूजर यहाँ से लॉगिन करता है, लाइक ये संदीप लॉगिन यहाँ से करता है, ठीक है। तो इसका डैशबोर्ड आ जाता है, हाय संदीप, ठीक है। अब देखिए नोटिफिकेशन क्या होती है, नोटिफिकेशन आप कई तरीके से सेंड करा सकते हो। लाइक मान के चलो कोई यूजर रजिस्टर करा तब आप नोटिफिकेशन सेंड करा रहे हो, या कुछ लॉगिन होता है तब कराते हो, या कुछ ऐसा एक्शन परफॉर्म कराते हो। जैसे लाइक अगर मैं बैंक ट्रांजैक्शन की बात करूँ जिनमें मैंने वर्क किया था, कि कोई भी ट्रांजैक्शन आती थी तो यहाँ पर यूजर के क्या होता था, नोटिफिकेशन आ जाता था कि ये एक न्यू ट्रांजैक्शन इसमें इंसर्ट हुई है। तो वो रियल टाइम वेब नोटिफिकेशन के द्वारा ही हम यहाँ पर शो करा पा रहे थे, ठीक है। अब मेरे पास तो कुछ ऐसा काम नहीं था मेरे इस प्रोजेक्ट में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इनपुट बना लिया, और जिसमें क्या करूँगा मैं यहाँ से जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये क्या होगा, सेंड नोटिफिकेशन होगा बाकी अदर यूजर्स को। लाइक ये वाला यूजर नहीं होगा, बाकी अदर यूजर को क्या है, नोटिफिकेशन जाने वाली होगी, ठीक है। तो मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से जाएगी। एक मेरा यूजर यहाँ लॉगिन है, एक मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पर एक यूजर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, rahul@gmail.com, एंड ये लॉगिन हो जाता है। इसका भी सेम डैशबोर्ड है, ये जब ये नोटिफिकेशन सेंड करेगा तो तब इसको आएगी, ये सेंड करेगा तो इसको आएगी। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर दो यूजर हैं, अब आपके मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये यूजर अगर यहाँ से सेंड नोटिफिकेशन करता है तो बाकी सभी यूजर्स को जाएगी जो यहाँ पर रजिस्टर है, ठीक है। ऐसी मैंने बेसिकली कंडीशन लगा रखी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कोड में रिव्यू कराऊंगा जब, ठीक है। अब लाइक वाइज मान के चलो ये संदीप है, ये राहुल को भेजता है मैसेज, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा राहुल कैसे हो, ठीक है, समथिंग लाइक मैंने एक नजरिया रख के रखा है कि इस तरीके से मैं नोटिफिकेशन जो है सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आवाज आनी चाहिए, तो यहाँ पर देखते हो गाइस मेरी आवाज, मतलब यहाँ पर एक टोन बजी जो कि आपका यहाँ पर देख पा रहे हो, नोटिफिकेशन विद वॉइस प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पर एक माइक भी आया था तो अभी वो प्ले हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन कैसे सेंड हुई, जो यहाँ से इसने सेंड की थी वो यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन बेसिकली शो करा रखी है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो राहुल कैसे हो, ठीक है। अब लाइक यहाँ पर इसने बोला समथिंग, नोटिफिकेशन बेसिकली एज अ चैट मैंने यूज कर रखा है, बट नॉर्मली नोटिफिकेशन तो हम ऐसे ही सेंड कराते हैं, कुछ इवेंट हिट होगा तो यहाँ पर एक इवेंट ही हिट होता है, ठीक है। लाइक इसने बोला सेम थिंग, मैंने रेस्पॉन्स कुछ दे दिया, ठीक ब्रदर, ठीक है। अब ये यहाँ से जैसे सेंड करेगा तो यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में जो है इसलिए यहाँ पर जो टून है वो बजेगी। लाइक मैं जैसे यहाँ पर सेंड करता हूँ तो सेंड हुआ, तो यहाँ पर जैसे ये प्ले हो रही है, यहाँ पर ये प्ले हुई थी और ये आपका चला गया, ठीक है। लाइक कुछ भी आप यहाँ से दोबारा से सेंड कर लो, लाइक सेंड, और यहाँ पर ये इस टाइम बजेगी यहाँ पर, देखते हो। मतलब एक प्रॉपर मैंने यहाँ पर लगा रखा है कि रियल टाइम वेब नोटिफिकेशन विद साउंड कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कोड तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल में मैं आपको फ्लो बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने चेंजमेंट भी अलाउड कर सकते हो इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ राउट्स के अंदर, तो यहाँ पर मेरी web.php है जिसमें मैंने सिंपल दो कंट्रोलर से, मेरे पास auth कंट्रोलर, auth कंट्रोलर में बेसिकली मेरे क्या क्या चल रहा है, रजिस्टर हो गया और आपका लॉग इन हो गया, ठीक है, लॉग आउट हो गया, आपका डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मल फ्लो था एप्लीकेशन का जो कि आपके auth कंट्रोलर में एग्जिस्ट करता है। लाइक मैं जा करके दिखाऊं app http controller, सॉरी एच टी टी पी कंट्रोलर, आपका auth कंट्रोलर।
तो नॉर्मली है, यहाँ पर मैंने जो है अपना मॉडल यूज कर रखा है, अपना हैशिंग वगैरह यूज किया, ऑथ सेशन यहाँ पर मैंने लोड रजिस्टर किया हुआ है। अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो डैशबोर्ड पर भेज दो, हालांकि हम मिडल वगैरह वगैरह यूज कर लेते, बट मैंने जल्दीबाजी में इस तरीके से काम करा है, ठीक है। एंड अगर स्टूडेंट रजिस्टर के लिए अप्लाई करता तो यहाँ पर इस तरीके से रजिस्टर होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और लॉगिन का है, यहाँ पर इस तरीके से लॉगिन हम करवा रहे हैं, लाइक अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर दो, वरना अपना रिटर्न व्यू लॉगिन कर दो। और लॉगिन का ये बेसिकली कोड है जहाँ से हम लॉगिन करवा रहे हैं यूजर को। एंड ये लोड डैशबोर्ड का है, बेसिकली जब हम डैशबोर्ड लोड करा रहे हैं, एंड लॉग आउट है, ठीक है। आई होप आपको इतना तो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ऑथ कंट्रोलर में इतना यूजफुल कोड नहीं है जितना हमें रियल टाइम वेब नोटिफिकेशन के लिए करना था, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने व्यू पर, ठीक है। बेसिकली हमारा है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं रिसोर्सेज, व्यूज एंड डैशबोर्ड, यहाँ से हमारा वर्किंग स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए गाइज, अगर आपने वेब सॉकेट का सेटअप किया होगा प्रॉपर तरीके से, तो आपको क्या है, लिंक यहाँ पर ऐड कर लेना है, डॉट सी एस एस। देखो सी एस एस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर, मैंने सी एस एस वगैरह यूज नहीं किया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। वेब सॉकेट अगर आपने इंस्टॉल की होगी तो आपको एप डॉट सी एस एस यहाँ पर लिंक कर लेनी है। एंड स्क्रिप्ट जरूरी है आपकी, जे एस एप डॉट जे एस, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड करना जरूरी है, ठीक है, लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से व्यू बना रखा है, जो कि मेरा लॉग आउट बटन है, जैसा कि यहाँ पर दिखाऊं, ये लॉग आउट बटन है, यहाँ से लॉग आउट हो सकता है यूजर, ठीक है। एंड यहाँ पर ना मैंने एक ऑडियो रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से दिख रहा होगा आपको, एक ऑडियो है, जैसा कि मैंने कमेंट बना रखी है टोन, एंड ऑडियो को मैंने कुछ आईडी दी हुई है, लाइक माई ऑडियो, एंड ऑडियो मेरा रखा हुआ है टोन के अंदर, टोन डॉट mp3, लाइक मैं पब्लिक के अंदर जाऊँ, टोन एंड टोन डॉट mp3, ठीक है, ये मेरा बेसिकली mp3 है फाइल, तो जो कि मैंने यहाँ पर एज अ एसेट्स हमने यूज करके, कहाँ गई, तो हमने यहाँ पर एज अ एसेट मेथड का यूज किया एंड अपना फाइल का पाथ बता दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं कंट्रोल्स देता, लाइक मैं कंट्रोल्स लिखता तो क्या होता, म्यूजिक जो बेसिकली जो फाइल ऑडियो था वो बेसिकली शो हो जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। अगर मैं कंट्रोल्स नहीं लगाता हूँ तो इनविजिबल रहेगा, ठीक है, तो कंट्रोल्स शो होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर मैंने इनविजिबल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन शो कराता हूँ, जो भी मेरे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं नोटिफिकेशन, वो अभी हम बात करेंगे। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर एक मैंने S3 ले रखा है, MPTS3 है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने यूजर का नेम शो कराया हुआ है, जो भी करंट यूजर लॉग इन होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हाई संदीप आ रहा, जो कि करंट यूजर संदीप लॉग इन था। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बना रखा है, फॉर्म की कुछ मैंने आईडी दे रखी है, टेक्स्ट मैसेज और जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नोटिफिकेशन टेक्स्ट वगैरह दे रखा है। एंड यहाँ पर मैंने एक इनपुट टाइप सबमिट बनाया, सेंड नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको एक ग्रीन नोटिफिकेशन सेंड आता है, लाइक अगर मैं यहाँ से कुछ भी सेंड करता हूँ, लाइक हाई वगैरह, तो यहाँ पर नीचे एक मैसेज जो आ रहा है, ये वाला जो मैसेज था नोटिफिकेशन एडेड, वो आपका इसमें शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कर क्या रहा हूँ, स्क्रिप्ट को ध्यान से देखना, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप फ्लो चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने माई ऑडियो को लिया, माई ऑडियो जो हमारा बेसिकली ऑडियो आईडी है, ठीक है, ऑडियो आईडी हमने यहाँ पर ली। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना रखा है, इनेबल ऑटो प्ले, ऑटो प्ले मीन्स ऑटो इनेबल ऑटो प्ले मैंने इसलिए मेथड बनाया हुआ है, लाइक जब यहाँ से मैं कोई भी नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ तो यहाँ दूसरे यूजर की तरफ क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है टोन, ठीक है, जो भी आपका MP3 सॉन्ग है। तो वो किस तरीके से हो रहा है, एक्स डॉट ऑटो प्ले इक्वल टू ट्रू किया मैंने, एक्स डॉट लोड किया मीन्स पहले मैंने ऑटो प्ले को ट्रू किया एंड उसको मैंने ऑडियो को लोड कर दिया, जैसे कि क्या होता है हमारा ऑटोमेटिकली म्यूजिक जो है बेसिकली इनेबल हो जाता है, मीन्स सॉन्ग बजने लगता है। अगर लोड नहीं लगाता तो यहाँ पर आपका म्यूजिक प्ले नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूजर आईडी ली हुई है, ऑथ यूजर आईडी, जो भी करंट यूजर लॉगिन है, ये मैंने क्यों ली है इसको आप भी आपको नीचे पता चलिएगा। फॉर्म सबमिट बेसिकली बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रीड लगा करके अंदर, जब यहाँ पर फॉर्म सबमिट होता है, जो भी मैं कुछ यहाँ पर लाइक मैं मैसेज डालता हूँ, ठीक है, एंड जैसे मैं यहाँ पर सेंड नोटिफिकेशन करता हूँ तो क्या होता है, मेरा सबमिट मेथड कॉल होता है jQuery में, एंड प्रीवेंट डिफॉल्ट कर रखा है, फॉर्म को सीरियलाइज किया, फॉर्म डेटा निकाला और फॉर्म को हम अगेन कर देते हैं रीसेट। जैसे ही आपने देखा होगा लाइक मैं यहाँ से कुछ सेंड करता हूँ तो ये फॉर्म जो है रीसेट हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ से किया तो यहाँ से जो है फॉर्म रीसेट हो चुका है, ठीक है, तो फॉर्म रीसेट सक्सेसफुली हो पा रहा है। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने ना एक मैथ बेसिकली राउट बना रखा है सेंड नोटिफिकेशन, ठीक है, इसको समझा देता हूँ तब मैं इसके नीचे वर्किंग करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर सेंड नोटिफिकेशन राउट की बात करूँ तो ये मैंने बना रखा है पोस्ट राउट, एंड यूजर कंट्रोलर के अंदर मैंने एक सेंड नोटिफिकेशन नाम का मेथड कॉल किया हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि
इस मेथड में बेसिकली हो क्या रहा है। तो यूजर कंट्रोलर यहाँ पर देखोगे गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपके पास ना दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है, तभी आप सिलेक्टर को देख सकते हो। कि फर्स्ट वन इज वेबसॉकेट, वेबसॉकेट का भी मैंने अभी आगे भी वर्किंग में बताऊंगा, और एक होता है इवेंट एंड लिसनर। ठीक है, इवेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे लिसन किए जाते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है ना, एक सेंड नोटिफिकेशन नाम का एक इवेंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा क्योंकि हम एक फ्लो वाइज चल रहे हैं। तो इवेंट्स के अंदर आपको मिलेगा सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, तो जब आप नोटिफिकेशन क्रिएट कर दो तो कुछ उसकी बेसिकली सेटिंग्स मैं बोल सकता हूँ सेटिंग्स करनी होती है, हालांकि मैं बोलता तो नहीं हूँ सेटिंग्स वगैरह, बेसिकली एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट्स करना होता है अपना सूडो ब्रॉडकास्ट इंटरफेस, कि आपको इम्प्लीमेंट्स करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर देखो मैंने कुछ ना वेरिएबल्स बना रखे हैं, पब्लिक वेरिएबल जो कि एक मैसेज है एक यूजर आईडी है। ठीक है, मैसेज में क्या आएगा बेसिकली, जो यहाँ से यूजर किसी अनदर यूजर को नोटिफिकेशन में जो मैसेज जाने वाला है वो मैसेज यहाँ पर स्टोर्ड होगा एज अ, मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाए हुए पब्लिक वेरिएबल्स एंड यूजर आईडी कि किस यूजर ने क्या मैसेज सेंड किया। ठीक है, यहाँ से लाइक मानते भी मान के चलो राहुल अगर किसी को कोई मैसेज डालता है, लाइक कुछ भी मान के चलो यहाँ पर इसने मैसेज डाला ये सेंड करेगा, तो एक तो यहाँ से इसकी राहुल की यूजर आईडी जाएगी, एक नोटिफिकेशन जाएगा, सॉरी नोटिफिकेशन मैसेज जाएगा। ठीक है, तो मैसेज जो होगा तो हम क्या कर रहे हैं, इस जब भी कोई सेंड नोटिफिकेशन इवेंट को कोई कॉल करेगा तो उसको कंस्ट्रक्टर में दो चीजें पास करनी होंगी, एक तो आपका मैसेज एक यूजर आईडी। ठीक है, तो मैसेज को हमने यहाँ पर अपने वेरिएबल में असाइन कर दिया एंड यूजर आईडी को भी असाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इवेंट के अंदर हमें बनाना होता है एक चैनल। तो देखिए प्राइवेट चैनल भी बना सकते हो, एक पब्लिक चैनल भी बना सकते हो। पब्लिक चैनल ये मैंने बनाया हुआ है, पब्लिक चैनल मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि वो सभी को नोटिफिकेशन जाने वाली थी, तो मैंने यहाँ पर न्यू चैनल एंड चैनल का नेम रख दिया मैंने नोटिफाई चैनल। अभी देखिए अगर आपको ये सब बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो देखिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, वेब सॉकेट के आपके लेक्चर्स देखने होंगे क्योंकि उनमें मैंने ये डीपली बताए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम अपने फ्लो की तरफ चल रहे हैं, हमने यहाँ पर चैनल का नाम बताया हुआ है। बेसिकली ये अब हमारी बन चुकी है एक इवेंट क्लास। ठीक है, इसको मैंने यूज़ किया हुआ है अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, कंट्रोलर में मैंने बेसिकली यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड नोटिफिकेशन नाम का मैंने मेथड कॉल किया हुआ है, जो जैसा कि आपको पता है इस राउट पर क्या हुआ, ये वाला मेथड कॉल हुआ। ठीक है, तो मैंने जस्ट सिंपल क्या किया हुआ है, कोई डेटाबेस में एंट्री वगैरह नहीं डाली, आपको जो भी आपका एक्शन परफॉर्म होगा उस टाइम पर वो आप कर सकते हो। लास्ट में जब आपको इवेंट सॉरी नोटिफिकेशन सेंड करना है तो आप क्या करोगे, इवेंट मेथड को यूज़ करो, इवेंट मेथड उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट पास कर देना अपना इवेंट क्लास का। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंड नोटिफिकेशन का पास कर रहा हूँ, जिसमें आपको कंस्ट्रक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर में एज अ दो पैरामीटर हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, एक वन इज मैसेज एंड सेकंड वन इज यूजर आईडी। तो जो हमारे रिक्वेस्ट में मैसेज आया वो हमने यहाँ पर पास कर दिया एंड सेकंड वन इज आपका यूजर आईडी। ठीक है, और मैंने यहाँ से एक मैसेज रिटर्न कर दिया नोटिफिकेशन एडेड, जैसा कि अभी आपको यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दिया था। लाइक मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ से मैं सेंड नोटिफिकेशन करता हूँ तो नोटिफिकेशन ये जो नोटिफिकेशन एडेड आ रहा था वो बेसिकली यहीं से आ रहा था। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो मैंने बात कर ली कंट्रोलर्स वगैरह की। ठीक है, और आपको इवेंट वगैरह भी मैंने बता दिया। अभी हमने क्या कर दिया, इवेंट भी हमारा क्रिएटेड है, कंट्रोलर में हमने ये सारा काम किया हुआ है। ठीक है, ये नहीं हो करते तो हम क्या करता, इवेंट हिट नहीं होता, तो इवेंट हिट नहीं होता तो हम क्या करते नहीं कर पाते, चैनल पर लिसन नहीं कर पाते। अब क्या होता है बेसिकली, अभी इवेंट क्रिएट हुआ और आपका यूजर कंट्रोलर से इवेंट हिट हुआ, अब ये दूसरे यूजर को मिल कैसे रहा है, वो आपका dashboard.blade.php के अंदर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो सेंड नोटिफिकेशन राउट पर हमने बेसिकली डेटा पास किया हुआ था, जैसा कि आपको पता है मैसेज गया, यूजर आईडी गया। अब जब सक्सेस आएगा तो आपको पता है मैंने वहां से जो मैसेज आ रहा था नोटिफिकेशन एडेड, ये वाला मैसेज सॉरी ये वाला, तो इसको मैंने कहाँ पर शो करा दिया, नोटिफिकेशन सेंड नाम की आईडी के, मींस यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अगर गलती वगैरह हो जाती है, मींस अगर सक्सेस फॉल्स हो जाता है, कुछ ट्राई कैच एक्सेप्शन आ जाते, तो यहाँ पर अलर्ट चल जाएगा। फिर मैंने क्या किया हुआ, सेट टाइम आउट लगाया हुआ है, जो भी हमारा नोटिफिकेशन एडेड का मैसेज था वो चला जाए, गायब हो जाए, उसमें मैंने टेक्स्ट को एम्प्टी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरे यूजर की तरफ, लाइक मान के चलो मैं जैसे यहाँ से लिखता हूँ टुडे मैसेज, ठीक है, सेंड नोटिफिकेशन करता हूँ। अभी लाइक मान के चलो इसके पास हाई दिख रहा है, अब जैसे मैं सेंड नोटिफिकेशन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आपके टुडे मैसेज आ रहा है, जो कि मैंने दूसरे यूजर की तरफ से भेजा क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट हो चुका है, ये इवेंट की सहायता से जो है बेसिकली गया। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब ये नोटिफिकेशन हिट हुआ लाइक यूजर कंट्रोलर से, जब ये इवेंट मेथड हिट हुआ जिसमें आपकी क्लास गई थी, तो ये क्या करता है अपना ब्रॉडकास्ट कर देता है इस चैनल पर, ठीक है। अब इस चैनल पर हमें क्या हम क्या कर सकते हैं, इन डेटा को गेट कर सकते हैं जो भी यहाँ पर है। तो कैसे गेट किया हमने, हम यूज करते हैं इको डॉट चैनल, जो कि आपका चैनल का नेम प्रोवाइड करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया ब्रॉडकास्ट किस पर हो रहा है ये डेटा, नोटिफाई चैनल नाम के चैनल पर। तो हमने क्या किया, उसका चैनल का नेम प्रोवाइड किया। डॉट लिसन करो, किसको लिसन करो, हमारे सेंड नोटिफिकेशन को, कि ये वाला जो इवेंट है उसको हमें क्या करना, लिसन करना। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो क्लास नेम है वो हम क्या कर देंगे यहाँ पर डायरेक्ट प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर। और ई में क्या होगा, ई में वो डेटा होगा जो आपने इस क्लास के अंदर जो भी आपने वेरिएबल्स बनाए होंगे, लाइक ये जो आपके वेरिएबल्स है ना, मैसेज, यूजर आईडी, सेम एज इट इज आपका नेम है यहाँ पर, वही आपको यूज करना होता है। तो हम क्या करते हैं ई, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, वो यूजर आईडी नॉट इक्वल ई डॉट यूजर आईडी। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन क्यों लगाई, इसकी समझने की कोशिश करिएगा। बाय द वे मान के चलो मैं यहाँ से मैसेज सेंड करता हूँ, लाइक मैंने इसे को लिखा मैसेज फ्रॉम राहुल। तो देखिएगा मैं जैसे ही यहाँ से सेंड करूंगा, इसका साउंड नहीं क्रिएट होगा, इसका साउंड नहीं बजेगा और ना इसको नोटिफिकेशन आएगा, बट दूसरों को नोटिफिकेशन जाएगा और दूसरे की तरफ जो है साउंड बजेगा भी, मीन्स प्ले भी होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो यहाँ पर प्ले हो रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पर प्ले हुआ है आपका साउंड, और यहीं पर जो है आपका नोटिफिकेशन भी आया। क्यों आया, क्योंकि हमने गैस यहाँ से सेंड किया हुआ है और यहाँ पर आया है, क्योंकि आपको पता है हमने यहाँ पर कोड लगा रखा है कि एक चेक लगा रखा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता, ये अगर ये चेक नहीं लगाता तो क्या होता, नोटिफिकेशन यहाँ पर भी शो होता जो सेंड कर रहा है और दूसरे की तरफ भी जाता, तो सभी यूजर की तरफ हो जाता। इसलिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि मैं अगर सेंड कर रहा हूँ तो उसमें जो यूजर आईडी है वो मेरी ना हो के किसी और की हो, तो क्या हो, एक तो हमारा इनेबल ऑटो प्ले मेथड चल जाए जो कि आपका सॉन्ग बजाएगा, ये बेसिकली सॉन्ग प्ले कराएगा, एंड सेकंड वन इज कि आपका नोटिफिकेशन में आपका मैसेज शो कर देगा, ठीक है। नॉर्मल बस हमने इतना काम किया है, जो आपका कहाँ गया नोटिफिकेशन, ये रहा ग्रे कलर का किया हुआ है, और इसमें क्या होता है आपका नोटिफिकेशन शो हो जाता है। यूजर आईडी बेसिकली ये रही थी, करंट यूजर आईडी यहाँ से जाती है आप लोगों की, एंड ये नॉट इक्वल लगा रखा है। अब आपको पर्टिकुलर किसी अनदर यूजर को ब्लॉक वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से मैं नोटिफिकेशन सेंड किए हैं और कैसे आपका जो है साउंड जा रहा है, ठीक है। एंड मैं बात करूँ, ये जो कोड अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के ले सकते हो और आपको कोड मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी बेटर लगा होगा, क्योंकि मैं इस कोड को करने बैठता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता। तो आई होप आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया, पूरी कोशिश थी कि आपको अंडरस्टैंड हुआ भी होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।